लेक्चर इस वीडियो सीरीज लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस अपने जो सोर्सेस है वो आए हुए स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। जैसे बोरोड फंड है, ओन फंड्स है, देन ये बोरोड और ओन फंड्स में भी कुछ बाइफरकेशंस है, तो उस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इन डिटेल और कैसे हमें इसमें डेफिनेशन और मीनिंग दिया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल। ठीक है, तो क्या है वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। क्यों लॉन्ग टर्म बोला गया है? क्योंकि अगर आप एक बैंक लोन भी लेते हो तो ये कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल ये रेंज में होता है। ठीक है, या फिर इन जनरल टर्म 1 साल से ऊपर वाला जो भी सोर्सेस ऑफ फंड या कैपिटल है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म हो जाएगा और 1 साल के अंदर का शॉर्ट टर्म। तो कैपिटल जब हम लोग बात करते हैं तो हम मोस्टली फिक्स्ड कैपिटल या फिर ऐसा कैपिटल जो लॉन्ग लास्टिंग हो हमारे साथ रहे। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। वेरियस बोला गया है, वेरियस में भी ठीक है बोरोड फंड्स हो सकते हैं, ओन फंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस इसलिए कहा गया है क्योंकि बाइफरकेशन है उसमें, हमारे खुद के कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, हमने कहीं से लोन लिया है, ये सारी चीज़ है। ठीक है, और ये जो वेरियस सोर्सेस है लॉन्ग टर्म सोर्सेस है फाइनेंस का वो क्या बन जाता है? हमारा टोटल कैपिटल। किसका कैपिटल? फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे कंपनी का। अ फाइनेंशियल मैनेजर चूज दैट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच इंक्लूड मिनिमम रिस्क एज वेल एज मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है ये कौन सेलेक्ट करता है? ये हमारे कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है वो फाइनलाइज करते हैं कि हमारे लिए सेफेस्ट ठीक है कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसके बाद हमारे लिए रिस्क वाला कौन सा है। ठीक है, तो वो ये देखेंगे कि मिनिमम रिस्क एज वेल एज मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो कैपिटल को हमारे अकाउंट में, हमारे कंट्रोल में लेने के लिए जो उसके लिए खर्चा होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल, आपने 1,000 करोड़ का बैंक लोन लिया है लेकिन इन रिटर्न आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना है, तो दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट। ठीक है, 1,000 करोड़ के लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो मिनिमम रिस्क एज वेल एज मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी रिटर्न है या फिर जो भी उसके प्रोसेसिंग फीस है वो मिनिमम टू मिनिमम रहे, ऐसा फाइनेंस मैनेजर कोशिश करते हैं। अब ये सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या क्या है? एक, प्रोप्राइटर्स फंड्स, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है उनके पास कितना फंड्स है वो, और दूसरा है बोरोड फंड्स। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड्स में भी कैसे बाइफरकेट किया है, कैसे स्ट्रक्चर किया है? एक है इक्विटी कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर्स जो हम लोग बोलते हैं, देन प्रेफरेंस कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड नहीं देते, लेकिन वाइंड अप के टाइम पे जब कंपनी वाइंड अप होने लगती है, लिक्विडेट होने लगती है, तब जाके हम उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहला पे बैक जो करता है वो उन्हें मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत पहले से चल रही है, उनका कुछ रिजर्व्स या सरप्लस है, तो वहाँ से भी हम सोर्स ऑफ फंड्स ले सकते हैं। बोरोड में जाएंगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में बात करेंगे, लोन्स के बारे में बात करेंगे, इसमें भी बॉन्ड्स आते हैं, आपके डिबेंचर्स आते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द रिस्क अज्यूम्ड बाय द फर्म। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये देखेगा कि यहाँ पे डेट कितना है, मतलब बोरोइंग्स कितना है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उस हिसाब से वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन करता है रिस्क। शेयर होल्डर्स के लिए भी रिस्क डिटरमाइन करता है, प्लस जो प्रोपराइटर्स हैं उनके लिए भी रिस्क है, क्योंकि इतना हमने पैसा लिया है उसको पे बैक तो करना पड़ेगा, राइट। देन कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। जो कैपिटल है उसका जो कॉस्ट है वो भी डिटरमाइन करता है। अगर आपने बहुत कॉस्टली जगह से लोन लिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक जो है आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रही है, ठीक है, और दूसरी है अपनी एक्सिस बैंक जो आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रही है, लोन मिल रहा है, लेकिन आपने ये देखा कि मुझे सर्विस कहाँ से अच्छा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो सर्विस आपको एक्सिस बैंक ने अच्छा दिया
तो एक्सिस बैंक से आपने लोन लिया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ गया, 12 से लेके 15% हो गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिटरमाइन करता है कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर। देन इट अफेक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। आप अगर ज़्यादा बोरोविंग करते हो ना, तो आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। अपने बिजनेस को जब एक्सपांड करने की बारी आती है, तो एक्सपांशन के लिए मौका नहीं मिलता है। जहाँ से भी आपने बोरो किया है, वो लोग आपके सामने खड़े रहते हैं और बोलते हैं, भैया जितना भी लिया है पहले वो चुका दो, उसके बाद आप एक्सपांड का और अपने एक्सपांशन का बात करो। ठीक है, देन लिक्विडिटी भी ज़्यादा नहीं रहती, बिकॉज जितना भी आप अर्निंग करते हो उसमें से जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपको रिटर्न देना है, प्लस जो बोरोविंग्स है वो भी रिटर्न देना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको रिटर्न देना है। इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म। कंपनी के ओनर का जो कंट्रोल है वो भी इफेक्ट करता है, बिकॉज उन्हें भी थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। वो ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते कोई भी प्रोजेक्ट में या फिर कोई भी काम के लिए, क्योंकि उन्होंने बोरो इतना कर लिया है, उनको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है कि बोरोविंग्स का जो वजन है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो थोड़े से कंट्रोल जो है अपना छोड़ देते हैं, और जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आए वहाँ पे वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, तो नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म। हमें ये देखना है कि हमारी फर्म जो है स्मॉल स्केल है, मीडियम है, ठीक है, या फिर एकदम लार्ज स्केल कंपनी है। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, और उस हिसाब से हमारी जो ओन्ड कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, वो हम कहीं ना कहीं सोर्सेज जो है लेकर आ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग की स्टेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म में हम मार्केट में रहेंगे या हम मार्केट से बाहर जाएंगे, ये भी हमें ध्यान देना है। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ साइकिल है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं डिक्लाइन, एक ऐसा पीरियड आ ही जाता है जहाँ पे डिक्लाइन होता ही है, नेचुरल है, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद फिर आप कुछ नया इन्वेंशन या फिर उसमें कुछ नया इनोवेटिव सर्विस या फिर आप प्रोडक्ट लेकर आते हो, ठीक है, देन अगेन वो थोड़ा ग्रोथ में चली जाती है, फिर एक सैचुरेशन टाइम आता है। तो दिस इज़ नथिंग बट योर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। देन कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या उसका कैश फ्लो जो है वो प्रॉपरली रेगुलरली आने वाला है, आ रहा है या आ सकता है, ये हमें देखना है कैपिटल स्ट्रक्चर में। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चार पॉइंट्स अगर क्लियर हो जाएंगे, तो आपका जो कैपिटल है उसके लिए आप कितना कॉस्ट पे कर सकते हो या फिर अपनी एबिलिटी क्या है, उस हिसाब से हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर में सोर्सेस ऑफ फंड्स डिटरमाइन करते हैं। रेट्स ऑफ कॉरपोरेट टैक्स, रिटेनिंग कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो कॉरपोरेट टैक्स का क्या रेट्स है, हमारी जो कंट्रोल है कितना हमारे पास है, कितना हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है। देन ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इक्विटी ट्रेडिंग कितना हो रहा है मार्केट में, हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमारे हमारा जो एसेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें भी ऐसा हो सकता है ओन्ड एसेट्स अलग हो सकते हैं, रेंटेड या लीज्ड एसेट्स अलग हो सकते हैं, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे हैं हमारे, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे जो प्रोपराइटर है, ओनर है, उन्होंने ज़्यादा पैसा डाला है 75%, फिर उस बचा कुचा जो 25% है उसमें भी जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, देन बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उसके बाद जनरल आम जनता जो इन्वेस्ट करती है वो है, तो कैसा नेचर ऑफ इन्वेस्टर कौन है हमारे वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये सारे डिटरमिनेंट से। नाउ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस में क्या कहा गया है, इट रेफर्स टू दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेवल। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस में क्या रेफर करते हैं, दैट पॉइंट विच इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेवल, एट विच अर्निंग पर शेयर रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। अब ये डिफरेंट अल्टरनेटिव बताएंगे डेट इक्विटी मिक्स का, मतलब अगर एक पर्टिकुलर जगह से हम डेट लेते हैं प्लस हमारा जो इक्विटी है वो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे आपका जो अर्निंग पर शेम से सॉरी अर्निंग पर शेयर है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा।
एट दिस लेवल ऑफ ई बी आई टी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर लेवल है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस में, वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट, यानी 100 रुपये का आपका डेट है तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी 100 रुपये का है, मतलब 50-50% का आप रेशियो पकड़ लीजिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, आपने जितना लोन लिया आपने उतना कैपिटल एम्प्लॉयड किया, यूज़ किया, दैट इज़ नथिंग बट योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट जो है हमें अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स बताते हैं। अब कैलकुलेशन जब करते हैं हम लोग तो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, एक्स माइनस आई वन ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट वन माइनस टी ब्रैकेट क्लोज माइनस पी डी अपॉन एस वन देन अगेन एक्स माइनस आई टू वन माइनस टी माइनस पी डी अपॉन एस टू। ठीक है, अब इनका जो नाम है वो क्या है, देखिए एक्स पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, हमारे पास एक्स है, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ये एक्स ही रहेगा यहाँ पे, जो भी दोनों एक्स है वो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस है। उसके बाद आए इंटरेस्ट अंडर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान वन, यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, अगर थर्ड होगा तो इक्वल्स टू थर्ड भी आएगा, एक्स माइनस वन सॉरी एक्स माइनस आई थ्री देन आगे वन माइनस टी माइनस पी डी अपॉन एस थ्री। आई टू इंटरेस्ट अंडर द अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान टू, देन टी फोर टैक्स रेट्स, पी डी फोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड एस वन अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर अंडर फाइनेंशियल प्लान वन। देखिए प्लान वन में जो भी आपका बोरोइंग्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, और उसमें एस वन क्या है, इक्विटी शेयर अंडर फाइनेंशियल प्लान वन, एस वन का कितना होगा, एस टू में अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर अंडर फाइनेंशियल प्लान टू। ठीक है, जितना इक्विटी शेयर का अमाउंट है उतना वो एस टू में आएगा, अगर एस थ्री होता तो अगेन एस थ्री हम लिखते। ठीक है, तो जब ग्राफिकली हम देखते हैं तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये इक्विटी एडवांटेज है, लेकिन जब एक इनडिफरेंस पॉइंट पहुंच जाता है, ठीक है, जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है तो हमारे पास डेट एडवांटेज हो जाता है, जितना बोरोइंग्स है उतनी हमारे इक्विटीज़ है, जितना हमारा लोन है उतना ही हमारा ओन्ड फंड्स भी है, यहाँ पे अगर 1000 करोड़ है तो यहाँ पे भी हमारे पास 1000 करोड़ है। सो ये था आपके लिए लेक्चर, और जितने भी पॉइंट्स आपने देखे, जो फॉर्मूला देखा है आपने उसको अच्छे से याद कीजिए, और उसमें हम लोग आगे सम्स भी कर सकते हैं, और बेसिकली आपको ये जो फॉर्मूला है फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू और फॉल्स में इस बार पूछने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि शायद रिटर्न एग्जाम्स नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स।